एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 28 और 20 के कॉमन फैक्टर आपने निकालने हैं, यानी 1 की मल्टीप्लाई 20 से की तो वो इक्वल टू 20 आता है, 2 की मल्टीप्लाई 10 से की वो इक्वल टू 20, 4 की मल्टीप्लाई 5 से या 5 की मल्टीप्लाई 4 से, सेम नंबर है इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 20 और 20 आर 1, 2, 4, 5 एंड 10। इनको जो हमारे फैक्टर है जैसे 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये हमारे क्या है फैक्टर आगे। ऐसे ही 28 के फैक्टर जैसे 1 मल्टीप्लाई 28, 2 मल्टीप्लाई 14, 4 मल्टीप्लाई 7 या 7 मल्टीप्लाई 4, इसको एक बार ही लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 28 के फैक्टर क्या आगे 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो ये सब को अलग अलग लिखेंगे। ये तो थे हमारे फैक्टर। अब इसके बाद हमने इनमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं जो दोनों में है। देखो 1 जो है वो दोनों में है, 2 भी दो है दोनों में है। देखो 1 यहाँ भी है और यहाँ भी, ये 1 जो है कॉमन फैक्टर है, 2 भी यहाँ है और यहाँ भी 2 है, 2 हमारा कॉमन फैक्टर है। इसके बाद 4 देखो, 4 इधर भी है और इसके अंदर भी है, 4 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखो और कोई मैच होता है? देखो आगे हमारा कोई भी मैच नहीं होता है, ये हमारे कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या आगे 20 और 28 के 1, 2, 4। अब है बी पार्ट, 15 के कॉमन फैक्टर और 25 के। 15 के कॉमन फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 15 और 3 मल्टीप्लाई 5। हमने दोबारा रिपीट नहीं करना इसको। फैक्टर ऑफ 15 आर, 15 के फैक्टर क्या आगे 1, 3, 15 और 5। ऐसे ही 25 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 25 और 5 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर ऑफ 25 आर 1, 5 एंड 25। 1, 5, 5 ये दोबारा है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, और 25। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या आ गए यहाँ से देखो, यहाँ 1 है, 1 जो है हर एक का कॉमन फैक्टर होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर है यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, एक 5 इसमें कॉमन फैक्टर आ गया। 1, 5 एंड 20, 25 के ये हैं और दोनों के कॉमन क्या हो गए हमारे 1 और 5। ऐसे ही आपने 35 और 50 का कॉमन फैक्टर करना है और 56 और 120 का कॉमन फैक्टर आपने खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, अब आपकी स्टेटमेंट 3 नंबर वाली है जैसे 4, 8 एंड 12। 4 का क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर ऑफ 4 आर 1, 2 और 4। 1, 2 रिपीटेड नंबर है, इसको नहीं लेंगे। 4 ऐसे ही 8 का 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4। फैक्टर ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। 12 का 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 भी हो सकता है, लेकिन वो रिपीटेड नंबर है इसलिए उसको नहीं लेंगे। फैक्टर ऑफ 12 आर, 12 का फैक्टर क्या आ गया 1, 2, 3, 12, 6 और 4। ऐसे ही इनमें कॉमन फैक्टर देखो, 1 जो है पहले भी बताया था कि सबका कॉमन फैक्टर होता है, जैसे तीनों में 1 है, ऐसे ही कॉमन फैक्टर देखो 2 इसमें भी है, इस 8 वाले में भी है और इसके अंदर 12 वाले में भी है। और तीसरा नंबर क्या है कॉमन फैक्टर में देखो 4, यहाँ 4 में, 8 में और 12 में। तो क्या हो गया आपके कॉमन फैक्टर 1, 2 और 4, 3 आपके कॉमन फैक्टर हैं। अब है इसके अगले पार्ट आपने ट्राई करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। आपने 6 और 8 का टेबल लिखना है जहाँ तक संभव है, मतलब एंड सो ऑन आगे तक ऐसे ही, और मल्टीपल ऑफ 8 एंड 16। ऐसे ही 8 का टेबल भी आपने लिखना है। कॉमन मल्टीपल
कॉमन मल्टीपल जो दोनों में है, जैसे देखो 24 और 24, फिर उसके बाद जो दोनों में है वो क्या है 48 और फिर उसके बाद 72, ये इनके क्या है कॉमन मल्टीपल हैं। अब आपने बी पार्ट में 12 एंड 18 का कॉमन मल्टीपल निकालना है, वो आप ट्राई करें।